अगर दोस्तों आप भी यहाँ पे आधार कार्ड से अपना UPI ID बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसमें A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ और दोस्तों कौन कौन से बैंक में यहाँ पे होने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है और दोस्तों आप आधार कार्ड से UPI ID बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक बने रहना, इसमें आपको सब कुछ बताऊँगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको भीम UPI को आपको डाउनलोड कर लेना है, अकाउंट बना लेना है। उसमें दोस्तों आपको बैंक ऐड करने का कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड से UPI पिन सेट करने को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस टैब से इंटरफेस खुल जाएगा अगर आप भीम UPI को यहाँ पर ओपन करोगे। अगर दोस्तों आप अपडेट नहीं किए हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर अपडेट कर लेना, आपको यहाँ पर अपडेट न्यू वर्सन में ही यहाँ पर आधार कार्ड के ऑप्शन आता है। अब दोस्तों इस टैब से इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है ऊपर में, आप देख सकते हो आपका बैंक अकाउंट जो भी ऐड रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपका जो भी बैंक है उस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि मेरा दो बैंक यहाँ पे ऐड ऑलरेडी मैंने कर रखा है। अब दोस्तों आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है नीचे, यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन राइट साइड में, आपको इसी बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी मात्र सिर्फ और सिर्फ दो बैंक हुआ है यहाँ पर दोस्तों, कॉस्मोस बैंक का और सेंट्रल बैंक का। यहाँ पर और SBI का भी आ गया है, अगर आप भीम UPI को अपडेट करके करते हो तो आपका SBI में भी खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक को बताऊंगा और आपका कैसे चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को दिया है कि नहीं लास्ट में बताऊंगा। तो आपको उस मेथड से आप यहां पे अपना आधार कार्ड से UPI ID बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे सेंट्रल बैंक का मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखते हो सेंट्रल बैंक लिखा है, इस टाइप से आपको इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो मैं दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ उस वीडियो को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्ले कर देता हूँ, इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों सेंट्रल बैंक का प्रोसेसिंग होगा, उसको यहाँ पे आई एग्री या तो एक्सेप्टेड यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप से आपको ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही होगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि आधार नंबर को डालने को दे रहा है, आपका लास्ट 4 डिजिट का आधार नंबर को डाल देना है यहाँ से। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर करना है इस वीडियो को देख के, यहाँ पर उसको तो ऑटोमेटिक ले लेगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से भीम UPI बना रहना चाहिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके जो भी है उसमें OTP आएगा आपके बैंक के थ्रू भी और दोस्तों आपके आधार कार्ड के थ्रू भी। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे OTP वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको नीचे ठीक का बटन दिख रहा है तो इस ठीक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ठीक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 6 डिजिट का UPI पिन सेलेक्ट करने को दे रहा है। अब जो भी OTP आता है उसको भी यहाँ पे OTP को पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों OTP को यहाँ पर देखते हो फिर ठीक बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट का UPI पिन सेट करने को देगा आपके आधार कार्ड और OTP सब कुछ डालने के बाद। यहाँ पर ठीक करने के बाद आप इस टाइप से दोस्तों घर बैठे यहां पे अपना UPI पिन सेट कर सकते हो। ये था दोस्तों आपको यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से दोस्तों आप अगर आप किसी भी बैंक में हो जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, सब कुछ यहां पे, अगर दोस्तों आपका HDFC है तो चलिए मेरा यहां पे HDFC बैंक हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन आता है देख सकते हो चेंज UPI पिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी UPI पिन सेट कर लिया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे देख सकते हो फॉरगेट UPI पिन बटन पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि यहाँ पे HDFC में कोई भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेबिट कार्ड को इंटर करने को दे रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप पता कर सकते हो, आपको सेट UPI पिन पे क्लिक जैसे ही करोगे अगर दोस्तों आपका डेबिट कार्ड केवल दिखाई दे रहा है तो आपका यहाँ पर आधार वेस्ट नहीं है। और जैसे आधार वेस्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड इंटर आधार नंबर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया उस टाइप से आपको शो करेगा, तो आप वहाँ से भी अपना UPI पिन बना सकते हो। तो दोस्तों घर बैठे इस टाइप से अपना आप UPI पिन सेट कर सकते हो। जैसे ही आएगा दोस्तों इस चैनल पे आपको वीडियो बना के दूंगा किसी भी बैंक का, जैसे ही आधार बेस आ जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक और कॉस्मोस बैंक आया है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करना। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करना ताकि मैं उस बैंक का आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसे आप आधार कार्ड से UPI ID सेट कर सकते हो। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखना ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा।